मॉर्निंग क्लास थर्ड। कल आपने इस किताब में 7 पीस पढ़ा था, आज पढ़ेंगे 8 वाला। तो 8 वाले में भी कुछ नहीं है, 8 वाले में नजर का पेड़ है, बस आप समझ लें और कर दें। अब जैसे देखो 8899 यानी डबल ए 99, डबल बी 88 और डबल बी 88, मतलब ए 99 है तो बी 88 है। ये ग्रुप ए है पूरा, तो आप अपनी किताब में देख रहे हो, मैं ग्रुप नहीं बना रहा हूं। ये ग्रुप ए है तो इस ग्रुप के संग में देखना है आपको। तो ए से क्या हुआ बी और 99 से क्या हुआ 88, तो मतलब यहां पर ए से बी जो हुआ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, लेकिन नंबर्स देख रहे हैं 99 का 88 हो गया तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो अब इसका देखते हैं, तो बी के बाद क्या आएगा सी सी, क्यों हमें ए से जब बी बना तो बी से सी बनेगा। अब 88 है, अब ध्यान देखो 99 से 88 हुआ तो 88 से 77। अब आप देखो इसमें आपके चारों ऑप्शनों में कौन सा सही है, तो पहला वाला ऑप्शन सही आ रहा है सी सी 77, ऐसी बात नहीं है डी डी 77 है आप देख रहे हो, लेकिन बी के बाद सी ही नंबर आता है। अब आते हैं हम दूसरे वाले ग्रुप में, ये भी एक ग्रुप सिस्टम है, तो हम देखते हैं 111 यानी 111 ए, तो 222 बी, तो यहां भी देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है और यहां भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो 222 बी तो 333 सी, तो मींस 333 सी तो 444 डी, मतलब हम सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, तो 444 डी तो हमारे पास ये है। अब जैसे देखो 44 ई भी है तो सी के बाद डी आता है, कैसे देखा हमने ए बी बी सी, तो दोनों बी सी है ए भी है, तो यहां पर सी डी होने चाहिए। अगला देखते हैं 1 ABC 2 DEF, देखो 1 के बाद 2 और ए बी सी डी ई एफ, सो सीरियल चला तो 3 GHI, तो 3 के बाद क्या आएगा 4। अब देखो एच आई, आई के बाद कौन सा नंबर आता है, तो जे के एल। अब तुमने देखा कि हमारे क्रम से देखो 1 के बाद 2 आया, यहां पर ए बी सी है, यहां डी ई है, तो 3 के बाद 4 आया तो यहां जी एच आई जे के एल, तो सभी कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर में लग गए। अब यहां पर देखते हैं हमारे पास 4 JAL, तो 4J भी है देख रहे होंगे आप, इसमें भी है आई जे के लगा, तो आई यहां पर 2 बार यूज नहीं किया जाएगा, इसलिए जे के है। तो इस तरह से ये 8 पेज कर लेना। कल हमने ड्राइंग के बारे में भी कहा था, तो ड्राइंग आपने बनाकर नहीं भेजी है तो आप उसको कलर करके दोबारा भेजेंगे, ठीक है, और जब हो जाए तो उसका एक अगला पेज बना लेना।